नमस्कार, अम्मा के थाली में आपका स्वागत है। आज हम भुट्टा भुनेंगे। बारिश के मौसम में भुने हुए भुट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। आज हम दो तरीके से भुट्टा भुनना आपको बताएंगे। आप इसी तरीके से अपने घर पर भुट्टा भुन सकते हैं। अगर आज के रेसिपी हमारा आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं भुट्टा भुनना। भुट्टा भुनने के लिए यहाँ हमने चार भुट्टा लिया है। ये चार भुट्टा हमने मार्केट से लिया है। यहाँ हमने एक नींबू लिया है, दो भागों में काट लिया है, नमक लिया है। अब हम भुट्टे के छिलकों को छील लेते हैं। हम इसी तरीके से भुट्टे को छील लेते हैं। बारिश के मौसम में ये भुट्टे मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बारिश के मौसम में ही भुट्टे ताजे और मीठे मिलते हैं। एक एक करके हमने सारे भुट्टे के छिलकों को छील लिए हैं। यहाँ हमने इस तरीके से छिलका को निकाल दिया है। भुट्टा भुनने के लिए हमने एक लोहे कढ़ाई लिया है। लोहे कढ़ाई हमने पहले से कोयले का राख रख लिया है। कोयले का राख हमने इसलिए रखा है क्योंकि कोयले जलाते समय इससे कोयले की आग बुझेगी नहीं और नीचे से कढ़ाई जलेगी नहीं। यहाँ हमने 500 ग्राम लकड़ी का कोयला लिया है। ये कोयला मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। ये लकड़ी कोयले वजन में बहुत हल्के होते हैं और बहुत जल्दी से जल जाते हैं। अब हम इसे इस तरीके से कढ़ाई में रख देते हैं जलाने के लिए। कोयले को हमने इस तरीके से कढ़ाई में रख दिया है। यहाँ हमने मोटा कागज लिया है। पहले हम कागज को जलाएंगे। अब हम कागज को माचिस से जला देते हैं। यहाँ हमने पतली पतली लकड़ी लिया है इस तरीके से। अब हम इस तरीके से लकड़ी कोयले को जला देते हैं। इसे हम बंद कमरे में नहीं जलाएंगे। घर में जहाँ रोशनदान हो वहाँ जलाएंगे या फिर बाहर जलाएंगे। अब जलते हुए कागज के ऊपर हम कोयले को रख देंगे ताकि हमारे कोयले जल्दी से जल जाएं। ये हमारे कोयले धीरे धीरे जलने लगे हैं। यहाँ हमने एक पंखी लिया है। इस पंखी से हम कोयले में धीरे धीरे हवा देंगे। इस तरीके से हम धीरे धीरे कोयले में हवा देंगे जिससे हमारे कोयले अच्छे से जल जाएं। ये हमारे कोयले अच्छे तरीके से जल चुके हैं। अब इस पर हम भुट्टे भुनेंगे। अब इस तरीके से हम चिमटे से कोयले को किनारे किनारे कर देते हैं और भुट्टे को भुनेंगे इस पर। अब इस पर हम इस तरीके से भुट्टे को रखेंगे। कोयले में हम इस तरीके से पंखी से धीरे धीरे हवा देते रहेंगे जिससे हमारे भुट्टे जल्दी भुनेंगे। और हम चिमटे से धीरे धीरे घुमाते रहेंगे जिससे भुट्टे जलेंगे नहीं। यहाँ पर बगल में हम एक भुट्टे और रख देते हैं। इस तरीके से हम कोयले के ऊपर भुट्टे को रख देते हैं और इसे हम पंखी से धीरे धीरे हवा देते रहेंगे और चिमटे से घुमाते रहेंगे। इसी तरीके से बारिश के मौसम में भुने हुए भुट्टे मार्केट में ठेलों पर मिलते हैं। कोयले पर भुने हुए भुट्टे खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ये हमारा एक भुट्टा भुनाकर तैयार हो चुका है। इसे हम किनारे कर देते हैं और इसको भी हम चिमटे से धीरे धीरे घुमाते रहेंगे और पंखी से हवा देते रहेंगे। ये हमारे तीनों भुट्टे भुनकर तैयार हो चुके हैं। ये हमारे भुट्टे अच्छी तरीके से भुनकर तैयार हो चुका है। अब हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने मार्केट जैसे भुट्टे को भुने हैं। इस तरीके से हमने इस प्लेट में भुट्टे को निकाल लिया है। ये आप देख रहे हैं जो हमारे कोयले जल रहे हैं इसको हम पानी से बुझाएंगे। इसे हम फेंकेंगे नहीं, धूप में सुखाएंगे जिससे कोयले सूखने के बाद दोबारा हम भुट्टे भून सकें। ये कोयले सूखने के बाद खराब नहीं होते। ये आप देख सकते हैं हमने कोयले में पानी डालकर आग को बुझा दिया है। अब इसे हम धूप में रख देंगे अच्छे से सूख जाएं ताकि हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें। ये हमने एक भुट्टे को रोक कर रखा है। अगर आप कोयले पर नहीं भून सकते हैं तो आप गैस पर भून सकते हैं। अब हम आपको गैस पर भून कर दिखाते हैं। यहाँ हमने एक सूती कपड़ा लिया है। भुट्टे पर लगे हुए राख को इस कपड़े से साफ कर लेते हैं। ये हमने इस तरीके से भुट्टे पर लगे हुए राख को साफ कर लिया है। अब हम गैस को ऑन करते हैं और गैस को धीम कर देते हैं। इस भुट्टे को हम धीमी आंच में भून लेते हैं। हम गैस को तेज नहीं करेंगे। अगर हम गैस को तेज करेंगे तो भुट्टे के दाने ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे।
ये हमने भुट्टे को धीमी आंच में भून लिया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक भुट्टा हमने गैस पर भुना है, तीन भुट्टा कोयले भुना है। ये चारों भुट्टों को हमने अच्छे से भून लिया है। ये आप देख सकते हैं, हमने ऊपर गैस का भुना हुआ भुट्टा रखा है, नीचे कोयले का भुना हुआ भुट्टा रखा है। अब हम इस पर नींबू और नमक लगाकर दिखाते हैं। यहाँ हमने नींबू लिया है, अब हम इसमें नमक लगाएंगे और भुट्टे पर लगाएंगे। अब हम इस तरीके से भुट्टे को भुट्टे के छिलकों पर रखकर सर्व करेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने भुट्टे के ऊपर नींबू और नमक लगाकर तैयार कर लिया है। आप इसी तरीके से भुट्टे को भूनकर नींबू और नमक लगाकर खा सकते हैं, अपने घर वालों को खिला सकते हैं। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।